बस अब शांत हो जाओ। मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर 10 देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूरा मिसलेनियस एग्जांपल है, बस वहां पे एंगल गिवन नहीं था, यहाँ पे एंगल गिवन है। क्या कह रहे हैं, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। देखो यार सेम पूरा वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया था। देखिए इस तरीके से कह रहे हैं, ये एक्स एक्स, ये 2D का है क्योंकि एक्स वाई की ही बात करें, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था, दोनों तरीके सॉल्व करना है, इसको भी कर सकते हैं। ये एक वेक्टर है, इसने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है, तो पक्की बात है डियर कि इसने वाई के साथ कितने का बनाया होगा, 60 डिग्री का। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, पक्की बात है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि राइट द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव। अब सारे यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, तो सबसे पहले तो ये आप एक लेट करो कि ये ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ऐसा उसमें बोला गया है। ठीक है, तो हमने कहा ये भैया यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो कह रहे हैं ये वेक्टर बताओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन है, ऐसा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, कई सारे है ना इनफाइनाइट। तो कह रहे ये ऐसा बताओ जिसने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का, वाई के साथ 60 का एंगल बनाया, अब वो बताइए। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम ओ ए बी अगर मैंने लिया ये, तो ट्रायंगल ओ ए बी, तो साइन 30 पी अपॉन एच, पी कितना है बी ए, एच कितना है 1, तो बी ए कितना आ गया साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती 1/2, यस और नो, कॉस 30 बी अपॉन एच, तो ओ अपॉन एच कितना है 1, कि एच बोले तो हाइपोटेन्यूज वो तो 1 होगा क्योंकि ये एंगल 90 है, तो ओ ए कितना कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब हमको पता है इस बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, √3/2, 1/2, यस और नो, क्योंकि यार ये डिस्टेंस एक्स पर है, ये वाई पर है, तो ये क्लास 9th हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ। तो अब ओ ए ओ बी वेक्टर निकाल दो, हमको था इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, तो ओ बी से ये माइनस करेंगे तो √3/2 आई वेक्टर प्लस 1/2 जे वेक्टर, जे क्लियर है। या जैसे एग्जांपल में दूसरा तरीका बताया था उस तरीके से हम लोग इसे निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बकवास है, थर्ड बहुत अच्छा, लेकिन सेकंड की हल्की सी हिंट देता हूँ सेकंड में है क्या। सेकंड कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन जेड वन और एक पॉइंट है क्यू एक्स टू वाई टू और जेड टू। तो सबसे क्या है, एक तो पी क्यू वेक्टर निकालो, तो यार पी क्यू वेक्टर क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप वाई टू माइनस वाई वन जे कैप और जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ये आ गया पी क्यू वेक्टर। कह रहे हैं इसका स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो ये सारे क्या हो गए स्केलर कंपोनेंट्स। फिर कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो यार मैग्नीट्यूड तो बच्चा बच्चा निकाल देगा, अगर ये पी क्यू वेक्टर है तो रूट के अंदर जो भी इनके डायरेक्शन रेशियोज हैं इसका, क्लियर है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई भी, यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट्स पूछा था, अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछा तो ये पूरा हो जाता, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर ये हमारा मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा वेक्टर को, क्लियर है। ये दो लिख लो जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं इसको दो दो तरीके से बताऊंगा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होंगे। तिवारी आ गई तुम्हारी बारी, आगे देखो। कह रहे हैं अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट और फिर ईस्ट वेस्ट, जो भी मतलब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये तो यार अंडरस्टूड है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपको बना ही लेना है। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये और ये, अच्छा चलिए अगर ये नॉर्थ है, ये अगर मैं पूछूं फिर ये क्या है, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, अगर कोई बंदा यहाँ पर है वो इस तरफ जा रहा है तो भी नॉर्थ है ना, ऐसा नहीं है कि जो इस लाइन के ऊपर जाएगा तभी नॉर्थ है, ऐसा नहीं है ना। अगर एक बंदा यहाँ पर खड़ा वो इस तरफ जा रहा है इसका मतलब वो नॉर्थ में जा रहा है, क्लियर है, आ गया, लाओ बेटा। तो नॉर्थ साउथ का
चलिए अब देखते हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवार्ड्स द बेस्ट। अब कहीं ना कहीं तो लड़की खड़ी होगी, मतलब लड़की हाँ पर भैया, क्योंकि जब कोई भी दिया नहीं गया तो हमने यहीं पर ले लिया। फिर कह रही कि 4 किलोमीटर कहाँ पर गई है, बेस्ट की तरफ, तो इस तरफ गई होगी। मान लो 4 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, यहाँ पर लड़की आ गई है। क्लियर है, ये नाम दिया ओ, ठीक है 4 किलोमीटर, ये डिस्टेंस पूरा कितना है 4 किलोमीटर। टुवार्ड द, देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर, तब वो 3 किलोमीटर गई इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब देखो 30 डिग्री गई है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, क्लियर है। चलिए अच्छा अब सुनो, यहां अब यहां पर है ईस्ट ऑफ, अब देखो हिंदी में कैसे इसको, नॉर्थ का ईस्ट, मतलब नॉर्थ का ईस्ट क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल आपसे यहां पे बात करूं, नॉर्थ का ईस्ट मतलब ये हुआ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर है, तो अब वो यहां पर खड़ी है, तो एक बार यहां पर अब वो आ गई, तो अब इसके लिए जो कायदे में ये वाली लाइन नॉर्थ को तो इंडिकेट कर रही होगी, यस और नो। अब नॉर्थ का ईस्ट मतलब इस तरफ ईस्ट की तरफ गई है, तो कितना गई है वो 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हुआ है 30, नॉर्थ से ईस्ट, मान लो यहां से ये, तो ये एंगल हुआ ना 30, बहुत सोचे इसको 30 ले ले, नहीं समझो इसको नॉर्थ का ईस्ट। क्लियर है, अच्छा कितना गई है भैया 3 किलोमीटर गई है, तो मान लो यहां पर आके स्टॉप हो गई, तो ये 3 किलोमीटर। क्लियर है, चलिए अच्छा कह रहे हैं डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द डिपार्चर। अब देखो मैंने इनिशियल पॉइंट को ना ओरिजिन पे ले लिया, क्योंकि सिंपल रहेगा हमारे, आप कहीं पर भी ले लो आंसर एक ही आएगा, कि अगर मान लो आपने इनिशियल पॉइंट यहाँ पर लिया होगा तो ऐसे जाके तो डिस्टेंस तो एक ही रहेगा ना, तो ये क्योंकि मुझे पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0.0, हमको पता है, इसलिए सिंपल रहेगा हमारे लिए। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा दो तरीके से, पहला एकदम नॉर्मल जैसे क्लास 9th-10th वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे उस तरीके से, फिर 1-12th के तरीके, कंसेप्ट क्लियर होंगे हमारे। ये डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे बी और ओ का डिस्टेंस पूछा गया, बस कायदे में देखा जाए कि ओ और बी का डिस्टेंस बता दो, ओ भी कितना है, इनिशियल पॉइंट ये था, अब वो यहाँ पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा ना इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, अब ये कायदे में हमको पता करना है। बस एक बात सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0.0, आप कैसे भी जुगाड़ करके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो, ओ बी का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे क्लास 10th की तरह, यस और नो, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, लेकिन टारगेट क्या है, इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे भी पता लग जाए। मैं इस सॉल्यूशन वेक्टर के तरीके से करूंगा ही नहीं इसको, देखना, और दूसरे में वेक्टर के तरीके से भी कर देंगे। अब देखिए जरा ध्यान से यार, अभी कोऑर्डिनेट निकालने का लोचा है, जो भी कुछ है कि कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब जुगाड़बाजी करते हैं, ये एंगल 30 है तो पक्की बात है ये 60 होगा। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम मैं दे दिया सी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई भी डाउट होगा। और ये डिस्टेंस पूरा कितना है 4 किलोमीटर, पक्की बात है। चलिए अच्छा अब एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी को, देखो ध्यान से एबीसी को, अगर मैंने आपसे कहा साइन 60, तो साइन बराबर क्या होगा पी अपॉन एच, तो 60 के सामने वाला पी कितना होगा बीसी, और एच कितना है 3, देखो ना भैया ये 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो ये कितनी 3, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 बीसी अपॉन 3, तो ये हो गया 3√3/2 बीसी आगे निकल गई है। क्लियर है, सारा डिस्टेंस किलोमीटर में, तो ये भी किलोमीटर में होगा हमारे पास, ये बीसी निकल गया। अब सुनो, अब मैं लगाता हूँ कॉस 60, कॉस 60 बराबर था बी अपॉन एच, मतलब ए सी अपॉन एच कितना है 3, क्या मैंने जल्दी कर दिया इसमें क्या, या तो बच्चों वाली बात है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ए सी अपॉन 3, तो ये हो गया 3/2 किलोमीटर, ए सी कितना निकल के आ गया, क्लियर है ए सी हमारे पास कितना निकल के आ गया 3/2 किलोमीटर, पक्की बात है। हमको फाइंड करने थे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, अब थोड़ा सा क्लास 9th में आपको लेकर जाएंगे और आप खुद मुझे बताएंगे कि अगर मैंने आपसे कहा ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 4 है, तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2.4, क्यों एक्स पर 2 है वाई पर 4 है, तो 2.4, क्लियर है। अच्छा जो यार ये 3/2 निकल के आया, मल्होत्रा यहीं पर लॉजिक है, 3/2 निकल के आया, वो ये डिस्टेंस निकल के आया ना यहाँ से यहाँ तक का, अगर मैं आपसे पूछूं ओसी क्या है, तो 4 में से माइनस करोगे ना, क्लियर है ना, तो ओसी निकालो, ओसी क्या होगा 4 से माइनस करेंगे 3/2, तो कितना आएगा 5/2, यस और नो।
अच्छा अब देखो फिर से, ये डिस्टेंस हमारा 5/2 है यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ये डिस्टेंस हमारा है 3√3/2। तो क्या इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 5/2, 3√3/2 नहीं हो गए? किस पॉइंट्स के? बी के। अब बहुत से बच्चे पता है इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिख कर आएंगे, ए सी का क्या है 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, 3√3/2। नहीं, डिस्टेंस जो भी लिया था यहाँ से लिया था ना, ओरिजिन से, लेकिन हमने निकाल दिया ओसी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ, तो पता है क्या होंगे? -5/2, 3√3/2। माइनस क्यों आया? एक्स एक्सिस के इस तरफ है, यस और नो? तो ये गलती बच्चे करके आते हैं कि वो कोऑर्डिनेट माइनस लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, अब यार बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया क्लास टेंथ का, हमसे कह रहे हैं ओबी का डिस्टेंस निकालो। तो ओबी का स्क्वायर क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगा देंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। क्लियर है? तो क्या आएगा? रूट के अंदर -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3/2 का होल स्क्वायर। अब चलो स्क्वायर खोलते हैं भाई इसका, तो 24, 25/4, 3 = 9, 3 = 27/4, तो ये 52 का 4 से डिवाइड करो 13। देखो आंसर 13 यूनिट आ रहा है, देखो जरा रूट के अंदर। जल्दी कोई एक बच्चा आंसर पहले बताए मुझे कि रूट के अंदर 13 यूनिट आ रहा है, यस और नो? डू है, क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन है 10th चैप्टर। जल्दी देखो यार, इतना टाइम बेकार नहीं करेंगे। अरे यार हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस देखो ना, डिस्टेंस नहीं दिया, पूछा क्या था इसमें? देखो क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ अ डिपार्टर। डिस्टेंस ही है ये पूछा गया ना, डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने क्या किया, इसका वेक्टर बना दिया केवल। हमको तो डिस्प्लेस मतलब डिस्टेंस फाइंड करना था। अगर वो ये कहते हैं, सुनो आप वाला जो आंसर भी आ जाएगा, ये कह रहे हैं कि ओ बी वैक्टर फाइंड करो, मान लो ओ बी वैक्टर। तो ओ बी वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे भैया? बी में से ये तो माइनस का 5/2 i कैप प्लस 3√3/j कैप। क्लियर है? ठीक है, हमको तो डिस्प्लेसमेंट पूछा था ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता है आपको, इसलिए वेक्टर हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया है, ये इसमें कहीं वेक्टर का तो यूज हुआ ही नहीं है। क्लास टेंथ का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था, उस तरीके से मैंने करा दिया। अब मैं इसको क्लास ट्वेल्थ की तरह ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो देखिए आंसर यही आ रहा था। हाँ तो ये तुम लोग टेंशन बोल रहे थे, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ओ माय गॉड, मिसलेंस का क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे तरीके से। इसके पहले जो बताया था उसमें नॉर्मली हमने क्लास टेंथ की तरह सॉल्व कर दिया, अब इसके वेक्टर की तरह कैसे सॉल्व करेंगे। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता है, गर्ल्स अगर वॉक्स 4 किलोमीटर टुवार्ड्स बेस्ट। अब देखो एक लड़की है, वो 4 किलोमीटर गई बेस्ट की तरफ, सपोज यहाँ तक आ गई वो, ठीक है, इस जगह यहाँ से चली थी वो इस तरफ आ गई, मान लो ये पॉइंट ओ है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? अच्छा ये अगर अब मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को वेक्टर की तरह, तो आप समझेंगे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस होगी, क्लियर है ना? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर को, ओ ए वेक्टर माइनस का 4i कैप। सुनो पहले तो सुनो, माइनस क्यों आया? एक्स एक्सिस इस तरफ होता है पॉजिटिव, इस तरफ होता है नेगेटिव। जब ये एक्स एक्सिस पर है तो इसने वाई के साथ और जेड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। देखो इस वेक्टर ने वाई के साथ कितना बनाया, 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो 0j कैप प्लस 0k कैप, अगर 3D में हम लोग लिखना चाहते तो। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी है तो वाई और जेड के साथ 90 का एंगल बनाया होगा, क्योंकि आपस में सब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्या ओ ए वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब कर रहे हैं वेक्टर की तरह। चलिए अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। Then she walks through 3 kilometer in direction of 30 degree east of north. North का east, north का east इस तरफ, तो ये मान लो इसका इस तरीके हो जाएगा और ये इतना गई है 30 degree, ये एंगल कितना हो गया 30 degree। क्लियर है? तो यहाँ पर आके वो रुक गई, तो अब कह रहे हैं यार ये बताओ कितनी दूर होगा। सुनो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, अगर मैं इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ कर दूँ तो हमको ओ ए वैक्टर ही तो फाइंड करना है, कायदे में देखा जाए तो।
ओ ए वैक्टर ही तो फाइंड करना है, क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर। तो वो इनिशियल पॉइंट ये रहा, यहाँ से चली फिर अब वो इस जगह आ गई, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ ना, इसको बताना है। तो यही तो कायदे पूछा गया। तो अगर मैं आपको ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर लगाता हूँ तो क्या ओ ए वेक्टर का सम प्लस ए बी वेक्टर का सम इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये हो जाएगा ना। अच्छा ओ ए वेक्टर हमारे पास कितना माइनस का 4i। अब ए बी वेक्टर निकालेंगे तो आपको याद होगा अभी जो मैंने इससे पहले बताया था दूसरे में, इस बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे निकाल कर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो वो थे माइनस 5/2 और 3√3/2, इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे इसके। ठीक है, ठीक है जी। तो अब एक बात बताइए, क्या हम लोग ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट निकालें ए बी वेक्टर, एंड में बी आ रहा है तो माइनस 5/2 से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, -4,0 यस और नो? -4,0 तो होंगे, तो -5/2 से माइनस होगा, तो ये -5/2 प्लस का 4 हो जाएगा, ये क्लियर। इसको सॉल्व कर लो, 4 × 2 = 8, तो 3/4i यस और नो? प्लस इससे ये वाला माइनस करेंगे तो 0 ही है, तो 3√3/2 इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर यस और नो? हमने इस तरीके से वेक्टर, अब चलो इनको ऐड करते हैं, माइनस का 4 प्लस का 3/4, तो 4 × 4 = 16, हु इज दैट? एक चीज यहाँ पे तो पहले तो 4 नहीं होगा, यहाँ तो 2 होगा ना, 3/2, क्योंकि कैसे आता है इसमें से अगर हम इसको करेंगे माइनस, नीचे तो 2 ही है ना, तो थोड़ी बहुत चीज़ याद रखो, तो ये क्या हो जाएगा 3/2i, हाँ, 3√3/2 j, तो ये हमारा आ गया ओ बी वेक्टर। देखो आंसर ये इससे ही करते, 4 × 2 = 8, तो माइनस का 5/2i, देखो आंसर यही आ रहा होगा क्योंकि पहले भी यही आ रहा था, ये हमारा यही फाइंड करना। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड, ये हमने पूरा क्वेश्चन एकदम वेक्टर की तरीके से ही किया है, जैसे वेक्टर फॉर्म में। तो फिर से देखेंगे एक बार, अगर कोई ये कह रहे हैं लड़की वेस्ट डायरेक्शन में गई है 4 किलोमीटर, अगर हम वेक्टर के तरीके से मैंने इसको एक्स एक्स से लेड करते थे, इसको वाई, तो ये माइनस में था, तो -4i वेक्टर, ये समझ आ रहा ना कैसे? एक बात बताओ, अगर 3D को मारो गोली, मैंने कहा ये इस तरफ लाइन है, तो इसका डिस्टेंस जो भी होगा वहाँ पे वाई तो 0 होगा ना, वाई तो 0 होता है, यहाँ पे जेड भी 0 होगा, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से एक वेक्टर तो ये आ गया ए बी वेक्टर, हम क्योंकि इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मैंने निकालना बताया थे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस तरीके से ये 60 हो जाएगा, तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया, मुझे नहीं ये दूसरा मेथड हो गया इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहे हैं यार एक गिवन है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू बी प्लस सी वेक्टर, ऐसा गिवन है, तो कह रहे हैं ये प्रूव नहीं करना है, ये आपको प्रूफ लिख दिया मैं, प्रूफ नहीं करना है आपको, ये चेक करना है क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर यस या नो जो भी है तो जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई अपना आंसर, अगर है तो है, क्यों नहीं है तो रीजन बताना है उनको। तो यार पहले तो ये समझा, दो वेक्टर का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर आता है, हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यही होता है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो क्या इस तरीके से होगा, ये हमने ले लिया हमारा बी वेक्टर, ये हमने ले लिया सी वेक्टर, और ये हमने ले लिया ए वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं ना कि ए वेक्टर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही पढ़ा था यार इंट्रो पार्ट में, लिख सकते हैं। अच्छा कह रहे हैं ऐसा गिवन है, मतलब ये गिवन, इन्होंने इनडायरेक्टली बोला क्या है कि ये जो तीन वेक्टर हैं ये ट्रायंगल बना रहे, बात खत्म, इनडायरेक्टली ऐसा बोला इन्होंने कि जो ये कंडीशन का मतलब ये तीनों वेक्टर मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया ये बताओ क्या ऐसा हो सकता है, अब एक बात सुनो, मॉडुलस ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये ए की लेंथ बता रहे हैं, ए वेक्टर की लेंथ, ये बी वेक्टर की लेंथ बता रहे हैं, और ये सी वेक्टर की लेंथ, मतलब ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, तीनों साइड की लेंथ बता रहे हैं ये मॉडुलस। और हमने ट्रायंगल में पढ़ा किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का सम तीसरे के इक्वल है तो कभी भी ट्रायंगल बनता ही नहीं है, वो हमेशा कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। हाँ अगर दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है तभी ट्रायंगल बनता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ 2, 8, 1 इन तीन साइड को मिला के ट्रायंगल बना दो, कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्यों, 1 और 2 का सम 3 होता है, वो 8 से छोटा है। अब आप कहेंगे सर 8 टू 10 तो 1 से बड़ा है, हर केस में बड़ा होना चाहिए,
आप कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल नहीं बना सकते जिसकी एक साइड 2 हो, एक 8 हो और एक 1 हो, इम्पॉसिबल। तो ये भी इम्पॉसिबल है। क्यों? कह रहे हैं दो साइड का सम, क्योंकि अब इसको साइड कंसीडर कर सकते हैं ना, क्योंकि ये लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो दो साइड का सम ट्रायंगल में कभी भी तीसरे के कुल नहीं हो सकता, अगर होगा तो वो कोलिनियर होंगे। लेकिन एक बात सुनो, एक बात सुनिए, अगर एक वेक्टर जीरो है इनमें से, बी और सी में से कोई भी एक वेक्टर, समझाने के लिए आपको मैंने कहा, मान लो जो सी वेक्टर है ना वो जीरो वेक्टर है, और जीरो वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? जीरो वेक्टर होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अब आपको मैं समझाऊं इसको, बहुत अभी लिखने का तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो। ये कह रहे हैं बी और सी का सम, मान लो यार एक वेक्टर मैंने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और सी ले लिया 2i कैप j कैप k कैप। तो एक a वेक्टर क्या होगा? इनका सम। क्लियर है? अब इसका मॉडुलस निकालो और इसका निकालो, कभी भी इसके सम के इक्वल नहीं होगा। देखो इसका हो गया रूट थ्री, वन का क्यूब, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, वन रूट थ्री। इसका हो गया 2 2 = 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 हो गया। इसका निकालो 3 3 = 9, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 4 8 9 17। देखो इसकी वैल्यू हो गई 1.732 और इसकी हो गई 2 2 = 4 लगभग 2.6 के आसपास, और इसकी वैल्यू हो गई 4.1। क्या इनका ऐड करके ये आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्रोक्स निकाला, तो कभी भी सम बराबर नहीं होगा इनका। लेकिन लेकिन अगर मैं बी को कर दूं जीरो वेक्टर, बी को कर दूं जीरो वेक्टर, मतलब जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। अब देखो ए वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का सम करो तो 2i कैप j कैप और k कैप। जीरो वेक्टर का मॉडुलस जीरो, इसका तो यही आएगा, फिर इसका भी देखो ना यही आ जाएगा रूट में 6। क्लियर है? अगर b और c में से एक वेक्टर जीरो है तब तो ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। एक बात सुनो, अब ट्रायंगल में तीन साइड होती है, अगर एक साइड जीरो है तो क्या ट्रायंगल बनेगा? बनेगा ट्रायंगल? नहीं बनेगा ना ट्रायंगल। तो ये चीजें आपको समझना है, ये पॉसिबल है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब इनमें से बी और सी में से कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा, क्योंकि ये वेक्टर जीरो हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए आएगा, ए सी के ही बराबर तो हो जाएगा। ये इसको समझा हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यार, हमको गिवन है, अब यहां से सॉल्व करने नंबर वाली बात हो गई। देखिए अब मैंने कहा स्क्वायर कर दो बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, लिख देना टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो ये तो क्या मॉडुलस ए का स्क्वायर, हमने पढ़ा ये चीज। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा, यही तो होता है ना भैया, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको ए मानो इसको बी मानो, ए डॉट बी क्या होता है? क्लियर है? ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है ना? जब इसका बात समझ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है तो क्या होता था, ए डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, बाद में हमारा क्या आ गया। या अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते, इसका इसके साथ, इसका इसके, जैसे आपको करना वैसे आप, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, बाद में कॉस थीटा तो आएगा ही। अब एक बात सुनो, अब थीटा की वैल्यू, अगर मैंने कहा यार थीटा जीरो है, अगर आपसे मैंने कहा, क्योंकि थीटा कुछ भी हो सकता है, एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, अगर थीटा जीरो है, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो क्या होता है? वन। कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है। तो वन हो गया। अच्छा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू भी क्या ये होल स्क्वायर हो गया, और इधर हमारा ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा सकते हैं। तो क्या ये नहीं आ गया हमारे? देखो यही तो प्रूफ करना था, यस और नो? तो ये प्रूफ है, ऐसा सही है, लेकिन कंडीशन क्या है? थीटा इक्वल्स टू जीरो, तभी तो बोला था कि उसका जीरो वेक्टर होगा, क्योंकि एक बी वेक्टर है, इसके ऊपर इसी का जीरो वेक्टर आ गया, तो कोई भी नया वेक्टर नहीं मिला ना, ठीक है? तो इसीलिए अगर ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा जीरो, लेकिन अगर थीटा जीरो नहीं है फिर ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ये चीज़ कभी भी। अगर थीटा जीरो होगा तभी ऐसा है, आप बोर्ड में इस तरीके से लिख के आएंगे, बस समझने वाली बात है। अरे वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें, एक वेक्टर जीरो है तभी ऐसा पॉसिबल होगा बस, ठीक है? कोई डाउट्स आ रहे दिमाग पूछो यार कि सर ये बात थोड़ी सी पल्ले नहीं पड़ी इसमें,
बोलते ही नहीं हो आप लोग, क्या डाउट है बताओ? तिवारी छापने में लगा है, यस फोटो लेने में लगा है, जब कल भी तो बता। अच्छा वेरी गुड, तो अच्छा समझा तुम्हें ना, कहाँ पे कहाँ माइनस आएगा बेटा? क्यों भैया स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैसे आएगा, इसी को दो बार लिखेंगे ना, तो टेकिंग स्क्वायर बहुत सारे लिखा तो था। हाँ तुमको यही डाउट होंगे, तुमको यही डाउट होंगे, यही डाउट होंगे तुमको दबा के। क्वेश्चन नंबर फाइव, बस चलो क्वेश्चन फाइव देते हैं। सुनो ये कह रहे हैं ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, ये वाला, तो कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर, सपोज ये ए वेक्टर है मान लो कोई भी, तो एक्स का मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स आई कैप, एक्स जे कैप और एक्स के कैप। कह रहे इसका ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन होगा, मतलब हमको ये दिया गया है वन, तो बस निकाल दो। मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन, थ्री एक्स स्क्वायर, वन स्क्वायर कर दो दोनों तो अंडर हट जाएगा, तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री, तो एक्स अराब देखना अंदर ये आ रहा होगा, क्लियर है? चलिए अच्छा, सिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखो दबा के। कह रहे यार एक वेक्टर दिया गया ए और एक दिया गया बी। कह रहे हैं भाई एक ऐसा वेक्टर बताइए, सुनो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है तीसरे वेक्टर की, और जैसे ही तीसरा वेक्टर सुनाई दिया तो भैया दिमाग में आता है कि यार कहीं क्रॉस तो नहीं होगा, लेकिन सुनो कह रहे हैं एक ऐसा तीसरा वेक्टर फाइंड करो जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट के क्या हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर अगर बोला होता तो ये क्वेश्चन बन जाता क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है? कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि इनके रिजल्टेंट मतलब इनके एडिशन के, इनको ऐड करके भी एक नया वेक्टर आएगा ना, तो एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो इनके रिजल्टेंट के पैरेलल हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यार अगर कोई भी एक वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, मैंने इसका निकाल दिया, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दिया, तो ये कैसा वेक्टर मिला है हमको? ये मुझको एक ऐसा वेक्टर मिला है जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। अगर ये वेक्टर इस तरफ है तो ये वेक्टर भी इस तरफ होगा, लेकिन इसकी जितनी भी लेंथ है, जितनी 10 20 थी, ये उसका एक यूनिट होगा उसी डायरेक्शन में। एक बात सुनो, ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो इसी के डायरेक्शन में है, तो क्या ये इसके पैरेलल है? जबकि कायदे में ये वेक्टर इसी के ऊपर होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज कि सर ये वेक्टर जब इस वेक्टर के ऊपर है तो ये दोनों पैरेलल कैसे हो गए? हो गए बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। मैं इस वेक्टर को यहां से उठाऊंगा और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा लाइक दैट, ठीक है? तो ये वेक्टर आपस में क्या हो गए है, पैरेलल है, तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। इन दो वेक्टर को ऐड कर दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको ऐड करके एक नया वेक्टर मिलेगा, मान लो वो क्या है, सी वेक्टर। फोन मत छेड़ो यार, इसको ऐड कर लो, हमें क्या पढ़ा रहे तुम? ये आ गया, ये सी वेक्टर निकल के आ गया। अब कह रहे हैं इस एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, तो इसी वेक्टर का निकाल दो यूनिट वेक्टर, तो थ्री आई कैप प्लस जे कैप रूट में 10 आ गया। अब ये वेक्टर कैसा मिला है? एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इसी के साथ है और ये इसके पैरेलल है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन चाहिए कितना था, 5, तो यार 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। आ गया आंसर। जब कभी बोला, क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में भी दिमाग में ये माइंड सेट कर लिया है कि अगर एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इसी के ऊपर होता है, सही बात है, एकदम सही, ओवरलैप करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर हम इस वेक्टर को यहां से डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं इस वेक्टर को यहां से हटा के ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हो गया पैरेलल। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का जो होता है वो हमेशा उसके पैरेलल भी होता है, क्लियर है? तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये यार। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत सिंपल है, मैंने लिख दिया, केवल करेंगे आप लोग। ये कह रहे हैं ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। कह रहे फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू दिस, तो इसकी वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं। ए वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करो, बी के साथ माइनस करो, सी में 3 का करो मल्टीप्लाई, ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा उसका निकाल दो यूनिट वेक्टर। क्यों? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो खुद के पैरेलल भी होता है, कोलिनियर या पैरेलल। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है, ठीक इसको देखते हैं। कह रहे सबसे पहले तो यार ये चेक करो, प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। कुछ नहीं करना, बकवास गिरी है। एक ए बी वेक्टर निकाल लो, निकाल सकते हैं,
बी सी वैक्टर निकाल सकते हैं और ए सी वैक्टर निकाल सकते हैं। निकालना आता है हर किसी को, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर निकाल सकते हैं। एक निकाल के दिखा देता हूँ, ए बी वैक्टर एंड में भी आ रहा है, फाइव से बन गया फोर आई कैप, जीरो से माइनस टू गया प्लस का टू जे कैप, माइनस का टू प्लस का एट सिक्स के कैप। ऐसे ही बी सी वैक्टर निकाल देंगे, ए सी वैक्टर निकाल देंगे, फिर इनका निकाल देना मैग्नीट्यूड। क्या निकाल देना? मैग्नीट्यूड। और किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल है, या इन दोनों का सम इसके इक्वल है, या इन दोनों का सम इसके इक्वल है, या इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो वो कोलिनियर होते हैं। क्लियर है? पहला तरीका। दूसरा तरीका वो आपको मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि पहला तरीका सिंपल था, दूसरा मैंने इंट्रो पार्ट में सब बताया जब एग्जांपल सॉल्व किए थे। चलिए जल्दी से बी सी वैक्टर निकालते हैं। 11 से 5 गया 6 आई कैप, 3 जे कैप, 9 के कैप। मुझे नहीं लगता यहाँ तो कोई भी डाउट होगा इसमें। चलिए अच्छा, अब ए सी एंड में सी आर, 11 से बन गया 10 आई कैप, 3 प्लस का 5 जे कैप, 7 प्लस का 15 के कैप। एक तरीका तो वो था मैग्नीट्यूड वाला। दूसरा तरीका, कोई भी दो वेक्टर ऐसे इसमें कंसीडर करो कि जिनमें से कुछ कॉमन लेने पर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। देखो लॉजिक दे, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ यार, कि अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन लेता हूँ तो 5 2 कहीं नहीं है, 2 अच्छा सुनो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से देखेंगे जरा, कि अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या बचेगा, 3 2 जा 3 1 3 3 9 नहीं आ रहा बात, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं कितना जाएगा, 2 आई कैप, जे कैप और 3 के कैप। क्लियर है? अच्छा, और इस वाले वेक्टर से 3 कॉमन लो यहाँ से, तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9 9 3। क्लियर है? तो देख रहे होंगे ये वेक्टर देखो एक हो गए। यस, तो हमने पढ़ा है इंट्रो पार्ट में क्या, किसी भी वेक्टर को अगर मैं उसमें किसी को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ वही वेक्टर, तो वो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। समझा रहा हूँ लिखने का तरीका, केवल कंसेप्ट पर ध्यान दो बस, ठीक है? तो अब एक बात सुन, अब प्यार से देखेंगे, प्यार से, बी सी वैक्टर और ये हमारा ए सी वैक्टर है, दोनों लगभग सेम, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इन जो अंदर वाले हैं ये तो सेम हो गए ना इनके, आगे तो स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी एंड ए सी आर कोलिनियर, मतलब ये एक सीध में है, लेकिन दो वेक्टर एक सीध में है और उनमें एक पॉइंट कॉमन है। तो जब डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन तो बन जाएगी। मैंने कहा एक बी सी वैक्टर ये रहा और एक हमारा ए सी वैक्टर है, और वो ऐसे वैक्टर कि आपस में कोलिनियर हैं, मतलब सॉरी वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो आप एक बात सुनो जरा, और एक पॉइंट कॉमन है तो कैसे हम लोग बनाएंगे, एक हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा, ये ए इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, हमारा सी हो गया, ए हो गया, तो ए सी वैक्टर हो गया, ये बी सी वैक्टर एक सीध में हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है। अगर दो लाइन आपने ड्रॉ की है उन्हें एक पॉइंट कॉमन आ, तो पक्की बात है कि आपस में कोलिनियर ही होंगे। तो दोनों में से कुछ भी कर लो, बच्चे लोग तो नॉर्मली वही वाला करते हैं ऐड करने वाले, क्योंकि उसमें सिंपल रहता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है, क्या बोली गई है कि फाइंड द रेशियो। अब है क्वेश्चन तो अच्छा, कह रहे हैं फाइंड द रेशियो, जो भैया पॉइंट बी है वो डिवाइड करता है ए सी को, किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सुनो और प्यार से पहले डायग्राम बना के समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ये ए पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट है हमारे पास और ये सी पॉइंट। ए पॉइंट्स क्या था, 1 माइनस 2 माइनस 8, ठीक है, ये एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस वेक्टर ने, बी पॉइंट ने ए सी को किसी ना किसी में भैया डिवाइड किया है, तो वो रेशियो बताओ क्या है, बस ये कहना चाह रहे। मान लो ये एम है और ये एन है, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये जो वेक्टर है ये वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये तो 0, 0, 0 होगा, ये मान लो सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो अभी हम लोग जल्दी इसे निकाल लेते हैं कि ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, सही बात है ना। अरे भैया इससे माइनस करेंगे 0, 0, ऐसे ही निकालेंगे बी वेक्टर, तो ये क्या होगा 5 आई कैप, 0 को लिखेंगे नहीं, माइनस का 2 के कैप, 11 आई कैप, सही कर रहा हूँ क्या मैं, प्लस और प्लस,
ठीक है, ये आ गए तीनों वेक्टर निकल के। अब हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या कहता था कि यार जो ये वाला जो ये आर वेक्टर होता था, ये वाला जो वेक्टर होता था कैसे लिखते थे इसको, आर वेक्टर ही तो बोलते थे अगर याद आ रहा होगा तो, मतलब बी वेक्टर वो कितना है 5i कैप - 2 कैप, ये किसके बराबर होता था, ये एन का मल्टीप्लाई इसके साथ करो ए वेक्टर के साथ और एम का सी के साथ और एम प्लस, क्लियर है। अब m और n निकाल दो तो हो तो गया सिंपल, लिख कर दूंगा थोड़ा नया क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेशन। अब केवल 5i कैप - 2k कैप n वेक्टर सॉरी n में a का मल्टीप्लाई करो तो ni कैप - 2nj कैप - 8nk कैप प्लस का m का मल्टीप्लाई करो c वेक्टर के साथ तो 11mi कैप 3mj कैप + 7mk कैप और m और n का इस तरफ क्या होगा आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यस और नो इसका। अब m वाले एक तरफ ले लेना, n वाले एक तरफ ले लेना। चलो अब m का पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 5, कैलकुलेशन समझ आ रही क्या, सिंपल है यार, कोई बच्चों की तरह कैलकुलेशन है तो मत सोचो कि टफ है। ये हो गया, अब इस तरफ n वाले हैं m वाले इस तरफ n वाले, m वाले n वाले एक तरफ ले लो सारे तो सबसे सब कट जाएगा, जो भी रेशियो उनका कुछ बचेगा कर ही देता हूँ, क्या छोड़ूँ बीच में क्योंकि आपको छापना भी है। चलिए अब m वाले में एक तरफ कर लेता हूँ, ये m है ये m है ये m ये m ये m ये सब एक तरफ कर लेता। अब देखो ये अब मैं डायरेक्ट करूँगा 5mi 11mi ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 6mi, क्लियर है आई वाले। अब m के साथ k है और m के साथ k है, ये इधर आएगा पहले j वाला लिख लो तो 3mj कैप माइनस का 2mk इधर आएगा, हाँ गुड गुड याशी, तो माइनस का 9mk कैप। ये मैंने m वाले एक तरफ कर ली, अब चले n वाले, एन आई ये रहा और एन आई ये रहा, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 4ni कैप, जे वाला n का कोई है नहीं तो इसको ऐसा ही लिख दो 2nj कैप, ये प्लस का 2nk कैप, क्लियर है क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ, माइनस प्लस का देखना। अब सुनो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है माइनस का 3m कॉमन आ रहा है, अंदर कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस का कहाँ पर कहाँ बोलो ना, ये 2nk है और ये माइनस का 6nk, आप इसे तो आपको बैठा रखा है यार, ठीक है प्लस बात नहीं, अब बात नहीं। अब यहाँ से माइनस का 2n कॉमन आ रहा तो देखो क्या बचा 2i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 3k, मलोता देखो ये कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m अपॉन n कितना आ गया 2/3, मतलब इस वेक्टर ने इसको 2:3 में डिवाइड किया होगा। तुम फोन पे लगे रहो यार, अब दौड़ जाओ बिल्कुल।